नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। लॉकडाउन के दौरान एक बार फिर खुला राजा तेज सिंह के किले का द्वार। 55 से ज़्यादा लोगों को मिला राशन। मैनपुरी राजा तेज सिंह के किले पर समाज सेवी आराधना गुप्ता ने ARTO राजेश करदम को बुलाकर बड़ी संकट की घड़ी में 55 से ऊपर की तादाद में एक एक मीटर की दूरी पर गोले बनाए और उन सभी गरीब और कमज़ोर लोगों को गोली में बिठाकर उनकी जगह पर ही राशन को पैकेज प्रदान किए तथा मैनपुरी के ARTO राजेश करदम ने बड़े प्यार से लोगों को अपने हाथों के धोने का तरीका भी समझाया और कहा कि आप लोग छींकते व खांसते समय अपना मुंह व नाक टिश्यू या रुमाल से ढकें ताकि किसी को कोई परेशानी पैदा न हो तथा खुद रहें सुरक्षित और दूसरों को रखें सुरक्षित, नामक सैकड़ों पंपलेट छपाकर बंटवाए। इस मौके पर समाज सेवी आराधना गुप्ता के अलावा 12 दरगाह वाले किशन, रिंकू आदि अन्य समाज के लोग भी मौजूद रहे। मैनपुरी से सर्वोच्च दर्पण के लिए अनिल दीक्षित की रिपोर्ट। वैसे आज आराधना गुप्ता जी ने मेरे को आज यहाँ इनवाइट किया था जी। तो आराधना गुप्ता जी के सहयोग से यहाँ पर मैं जो देख पा रहा हूँ 30-35 लोगों को हम लोगों द्वारा पंपलेट जो हमारे विभाग द्वारा छपाए हैं, परिवहन विभाग द्वारा छपाए हैं, उनको सबको बता। हाँ सॉरी, मैं 55 लोगों को हमने खाद्यान्न बांटा है और चूँकि हम लोगों का जो प्रशासन सोच रहा है जी कि हम आपके पास आएंगे, आप हमें इन्फॉर्म करिए, आप हमें सूचना करिए, हमारा 24 घंटे तहसील वाइज कंट्रोल रूम खुला हुआ है। हमारे पास जो भी कहीं से भी कोई सूचना किसी प्रकार से आ रही है तो हम लोग उनको जा रहे हैं। खाली उद्देश्य हमारा यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बनाते हुए हम लोग दूर रहें और जो वर्तमान में सरकार का और प्रशासन का हम सहयोग करते हैं और अपने घर में रहें और यही हमारा।